हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, भाजपा कांग्रेस की सियासत भी वैसे ही बढ़ने लगी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में वन मंत्री ठाकुर सिंह भलमोरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश का भट्टा बैठा दिया है। ठाकुर सिंह भरमोरी 11वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। ठाकुर सिंह भरमोरी पिछले 50 साल से भरमौर विधानसभा क्षेत्र की सक्रिय राजनीति में एक बड़ा नाम माना जाता है। भरमोरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है उसे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। युवाओं को रोजगार कांग्रेस पार्टी देगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना गारंटी पत्र जारी किया है। ठाकुर सिंह भरमोरी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र और चंबा में भाजपा के शासनकाल में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। जितना भी विकास इस विधानसभा और पूरे चंबा जिला में हुआ है वह कांग्रेस पार्टी की देन है। उन्होंने कहा कि इन्होंने झूठ के सहारे जनता को बरगलाया है लेकिन अब जनता ने मूड बना लिया है और इनका बोरी बिस्तर बंद होने वाला है। पीछे बाई इलेक्शन हुआ, एमपी का हुआ, उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह जी खड़ी थी, वो भारी बहुमत से जीते। 3 बाई इलेक्शन हुए एमएलए के, उसमें भी सारे प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। सेंटर में 2-टायर सिस्टम सरकार है, उस सबको इग्नोर करके पब्लिक ने जो है चारों की सीटों में कब्जा किया। तो अब भी आगे जो हमने कमाया है, कांग्रेस पार्टी ने जो किया है थ्रू आउट कंट्री, नॉट ओनली इन हिमाचल प्रदेश, थ्रू आउट कंट्री, उसको भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार बेच रही है, कौड़ियों के भाव से बेच रही है। कमीशन खा के 4-5 उन्होंने लोग रखे हैं, अडानी आप सबको मालूम है, उनको पालते हैं और एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज बीन इग्नोर्ड। अच्छे दिन नहीं आए, 8 सालों में अच्छे दिन नहीं आए। जो इन्होंने वायदे किए थे उस पर ये बात नहीं करते, अब न सेंटर वाले न स्टेट वाले इधर उधर की बात करते हैं, घुमा फिरा के लोगों को उलझा के रखते हैं। लेकिन लोगों को तो रोजी रोटी चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, महिलाओं को रोजगार चाहिए, किसान को रोजगार चाहिए, जो भी हमारे मजदूर वर्ग है, महिला वर्ग है, जो भी वर्ग है, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, इन्होंने बच्चों की कर्म किताब पे, दूध पे, खाने की चीज़ों पे एसटी लगा दी। बड़े अफसोस की बात है, ये वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री। तो ये पैसा निकाल ही दिए लोगों की जेब से, इन्होंने 2-2 हज़ार भेज दिए ठगे। पिछले इलेक्शन में उसमें वोटर ले लिया, वायदा किया 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे, इन्होंने वायदा किया कि हम सबके खाते में 15-15 लाख देंगे, किसी के खाते में नहीं आया 15-15 लाख। तो ये छलिया करते हैं, झूठ का पुरंदा है, झूठ बोलते हैं। जो इलेक्शन में ये वायदा करते हैं उस पर बात नहीं करते, फिर जो 5 साल उसको निभाते। इन्होंने सारी कंट्री में एमएलए खरीदने का काम किया है, वो पैसा कहाँ से आया? लोगों की जो खून पसीने की कमाई है, वो जो हम टैक्स देते हैं, जो लोगों का पैसा है, उसे ये उनको खरीद रहे हैं और अडानी को पालते हैं और उनके बैंक के कर्जे जो हैं उसको माफ़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप बोलेंगे, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनसे करोड़ों के हिसाब से, अब अरबों के हिसाब से अपने पार्टी के लिए, इलेक्शन के लिए जो है वो पैसा लेते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं भरमौर में, भरमौर कंस्टिट्यूंसी में जो रूठे हुए लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ है, जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, सबका अधिकार है। कांग्रेस पार्टी के जो लोग जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था,
मैंने ये मशीन तैयार की है, 50 साल से यही काम किया है, लोगों को जागरूक किया है, तो उनका अधिकार है। अब ठाकुर सिंह को टिकट मिला तो वह मेरे साथ है, मेरे साथ है, और पब्लिक मेरे साथ है, जो रूठे हुए थे वो मेरे साथ है।